हम खुद वॉइस ऑफ मानवता की कचहरी में मजलूम बनकर आए हैं, गरीब बनकर आए हैं और अपनी आवाज़ खुद उठाने आए हैं, क्योंकि हमारे साथ में धोखा हुआ। धोखा, हम तीन लोगों के बारे में बात करेंगे आज। धोखा कैसे कैसे हुआ थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बताएंगे। एक कुलदीप सिंह है, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल, नमो बधाए जी मुनियो आज साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों, वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। तो साथियों, हम जो बात बोलते हैं कि गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं, तो आज हम खुद वॉइस ऑफ मानवता की कचहरी में मजलूम बनकर आए हैं, गरीब बनकर आए हैं और अपनी आवाज़ खुद उठाने आए हैं, क्योंकि हमारे साथ में धोखा हुआ। धोखा, हम तीन लोगों के बारे में बात करेंगे आज। धोखा कैसे कैसे हुआ थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बताएंगे। एक कुलदीप सिंह है, फिल्म बनाते हैं, मतलब डायरेक्टर हैं ऐसा मानते हैं अपन आपको। ये इनका पूनम रॉय है, मिलवा था हमें और हमने पूनम रॉय की इसमें कोई गलती नहीं है उसमें बताएंगे। उसमें दूसरी बात, एक संदीप निमेश नाम का बंदा है, एक इसमें राजस्थान में रहते हैं। तो एक और भुवनेश्वर प्रसाद, ये भुवनेश्वर प्रसाद इनका केस है। एक इनकी इन्होंने भी मतलब इन्होंने बताया हमें किसी के बारे में, भुवनेश्वर प्रसाद ने, राहुल पंवार है कोई, राहुल पंवार जो संस्थापक अध्यक्ष है, जो ये बहुजन पैंथर सेना के अध्यक्ष हैं। तो हम तीनों के बारे में बताना चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा कि इन्होंने जो है धोखा दिया है, राहुल पंवार ने धोखा दिया है भुवनेश्वर प्रसाद को, बोध को, और कुलदीप सिंह ने और संदीप निमेश ने हमें धोखा दिया है। यानी कि वॉइस ऑफ मानवता के जो है प्लेटफार्म पर हम बात कर रहे हैं, हम गरीबों की आवाज़ उठाते हैं तो मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं, तो इन्होंने धोखा हमें कैसे दिया, फिर हम कुलदीप सिंह की बात कर रहे हैं। अगर इसे आप मिलना चाहते हैं, इनका नंबर हैगा, इनका नंबर है जो 8169087908। हमने इनको गाने, चार गानों के लिए 70,000 रुपये का हमने मतलब इनको दिए हैं और 1 लाख रुपये हमारा तय हुआ था भी, हम 1 लाख रुपये में 4 गाने कराएंगे। तो इन्होंने कहा कि आप जिस वक्त हम बातें कर रहे थे शुरुआत में इनसे, इनकी आप फ़ोटो भी देख पाएंगे, फ़ोटो चल रही है स्क्रीन पर, इनकी फ़ोटो भी देख रहे हैं और स्क्रीन पर इनकी जो है। तो हमने जिस टाइम शुरुआत में बात की थी इनसे, तो इन्होंने हमें वादा किया था कि शुरू में क्या बोल रहे थे हमें कि जो है पैसे, भाई साहब पैसे कोई बड़ी बात नहीं है, पैसे तो आ जाएंगे, बस एक बार काम सौंप दे। तो हमने इनको 4 गाने दिए थे, तो 4 गाने हमने इनसे बार बार वादा मतलब कहा भी आप इसको चालू करें, आप इसको लगाएं, इसको मतलब बनाएं गानों को। तो ये बातें ऐसी सी मारते हैं, दुनिया भर की बातें मारते हैं, मतलब ऐसी बात करेंगे जिन्हें मतलब इन्हें वो बहुत किसी के साथ में कुछ नहीं कर रहे, मतलब ऐसे आपको लगेगा ही नहीं ये बात जो है गलत कर रहे हैं, ऐसा लगेगा नहीं। तो इन्होंने हमने इनको कल मैसेज किया था, भाई हम आपके बारे में वो डालना चाहते हैं, वीडियो डाल रहे हैं, आगे करना नहीं करना वो अलग बात है, लेकिन हमने इनके बारे में क्यों बता रहे हैं, कारण क्या है कि जो दूसरे लोग हैं वे इन लोगों से सावधान हो जाएं कि ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हैं जो ठग हैं और चोर भी कह सकते हैं, जो मतलब लोगों को गुमराह करते हैं, ढूंढ मतलब पैसे लेने पैसे ले लेते हैं, काम करते नहीं हैं। तो इन्होंने कल मैं मैसेज किया था उनको, भाई तो बोलते हैं कि डोंट वरी काम हो जाएगा, मतलब डोंट वरी की बात करते हैं, काम करते नहीं, बातें मारते हैं दुनिया भर के। लेकिन जो पूनम रॉय है, इसमें पूनम रॉय का इसमें कोई रोल नहीं है, हम भी खुद की होशियारी खुद दिखाने लगते हैं कई बार, और हमने खुद पैसे दिए थे उनको, तो वो गलती हमारी है कि पूनम रॉय का उसमें कोई रोल नहीं है उसका, उन्होंने तो सिर्फ मिलवा था इनसे। तो हमारे 70,000 रुपये इन्होंने मतलब डकार लिए। आने वाले वक्त में ऐसा नहीं है कि पैसे हम तो पैसे ले लेंगे कहीं ना कहीं, वो अगर ये काम हम बड़ा बड़ा काम करना चाहते हैं आने वाले वक्त में करेंगे काम तो, लेकिन अगर ये फिर अगर हम इनके खिलाफ वीडियो डाल दें आज, तो अगर इन्होंने काम किया तो आने वाले वक्त में इनके हक में डाल सकते हैं। तो हमें इतना बताना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से सावधान रहें जो पैसे लेकर के काम करते नहीं हैं, झूठ बोलते हैं और बेईमानी करते हैं, अपने आप को खुद को गुमराह करते हैं,
और लोगों को गुमराह करते हैं। अभी दूसरे के बारे में बात करेंगे, संदीप निवेश जो है, ये संदीप निवेश हमारे तकरीबन साल डेढ़ साल से बात चल रही थी हमारी इनके साथ में, तो पिछले साल से हमारी बात चल रही थी इनके साथ में, तो हमने इन्होंने हमें एक मतलब व्हाट्सएप पर मैसेज किया तो हमने उनका जवाब दिया। तो इनका कहना था कि हमारे पास में एक कंप्यूटर हमने लेना है, हम जो है यहाँ पर इस काम कर रहे हैं, इसमें राजस्थान में काम कर रहे हैं, आदिवासियों में काम कर रहे हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, बहुत सारे इन्होंने बताए हमें बातें। तो हमने सोचा भाई चलो ये प्रोजेक्टर की बात कर रहे थे, प्रोजेक्टर लेना हमने, तो हमने इनके हिसाब से इनको पूछा भी था, जबकि प्रोजेक्टर बहुत सस्ता मिल जाता कहीं भी, तो हमने इनको प्रोजेक्टर की बात की थी। तो इन्होंने हमें बताया कि प्रोजेक्टर जब जिससे हम बातें कर रहे थे इनके साथ में, हमारा रोज़ाना फ़ोन चलता था, रोज़ाना फ़ोन भी करते थे, बड़ी बड़ी बातें होती थी, मिशन की बातें होती थी, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, धरती से आसमान तक की छूने वाली बातें होती थी। लेकिन जिस दिन से हमने इनको पैसा दिया, 25,000 रुपये हमने इनको दिए अप्रैल के महीने में, पिछले इसे जो 2022 में दिए थे हमने, तो हमने इनको बोला था भी हम अब इस तारीख को आपको पैसे दे देंगे। ये संदीप निमेश जो मतलब ये देखो, मतलब उस दिन के बाद में इसने ना तो कोई काम किया, जबकि इसने वादा किया था कि हम ये काम स्टार्ट कर देंगे। हमने 14 अप्रैल को अपना काम स्टार्ट करना था, उस समय 10 अप्रैल को तकरीबन पैसे दे दिए थे इनको, और जो है मतलब उस दिन के बाद में इनकी हालत ठीक हुई ही नहीं है। हमने 2-3 बार इनको फ़ोन भी किया, तो ये हमें बोलते हैं कि मतलब दुनिया भर की बातें बताते हैं, और हमने इनको बोला भी था भाई, तो हमने जो हमारी जो बिरादरी है जिसमें हम जिसको लोग जिसको ब्राह्मण जो है चमार कहते हैं, तो हमने हम सबको बता देते हैं, हम तो उसमें पैदा हुए थे, लेकिन हम उसको नहीं मानते क्योंकि वो दीव किसी की दीवी उधारी जाती, हमने उसको वापस कर दिया, बात ख़त्म हो गई। तो इनको हमने बोला था, ये बोलते पिछली बार हमने 6 महीने पहले की बात है, तो दो महीने पहले हमने बोला था इनको भाई जो है काम क्यों नहीं कर रहे आप, तो ये मतलब खींच कर फ़ोन काट के बैठे, वो तो चमार हो चमारी रहोगे, मैंने पता नहीं इस तरह की बात बोली थी। तो हमें उस बात का वो नहीं हुआ कि मतलब हम चमार थे या भंगी थे, जो भी थे हमें इस बात का कोई उन परवाह नहीं, क्योंकि हमने तो छोड़ दी है, हम तो अब आज़ाद हैं, मस्त हैं, इंसान हैं। लेकिन क्या है कि जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं वो क्या करना, वो मतलब पहाड़े जिस वक्त ये पैसे लेने का नंबर होता है उस वक्त इनकी बातें कुछ और होती हैं, लेकिन जिससे पैसे ले लिए उस दिन के बाद में इनकी हालात आज तक ठीक नहीं हुई है। अभी भी क्या लिखते हैं मैं आपको कमेंट बताता हूँ, पढ़ के मैंने स्क्रीन शॉट लिया इनका। ये बोलते हैं मेरे को, मैंने कल इनको मैसेज किया था, मैं आपके पास में आपके साथ वीडियो पा रहा हूँ, तो इसमें इनका मैसेज आया था, मैं आपको बताया था कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, यानी कि जब से हमने पैसे दिए उसके बाद में इनका कोई स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ। हो सकता है शायद सही हो सकता है शायद गलत हो, इनको पता होगा कि सही आदमी गलत आदमी को तो आपको खुद को पता होता है। थोड़ा इंतज़ार करें, बाकी जो आपको करना आप कर सकते हैं, यानी कि मतलब अब बता दिया तू कर ले, जो कर ले, जो मर्जी कर ले, तेरे बस का जो कर सक कर ले। आगे लिखते हैं, वैसे आप मानवता की बात करते हैं, वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल चलाया हमने, तो ये वॉइस ऑफ मानवता बात करते हैं, तो मानवता की बात करते हैं, तो फिर क्या लिखते हैं, तो मनुष्य की पीड़ा को भी समझने की कोशिश करें, यानी कि हमें कोई पीड़ा नहीं मनुष्य की, मतलब हम इतने दिन से इसको कह रहे हैं भाई ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसको जो पैसे लिए हैं उनको या तो वापस कर दो या काम स्टार्ट करें, यानी कि हमने हमारे अंदर कोई पीड़ा किसी की वो नहीं है। मैंने इनको लगता है ऐसा कि मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जिससे मुझे भारी नुकसान हुआ, फिर ये शारीरिक पीड़ा तो आप खुद ही तय करें, बाकी रही पैसे की बात तो मैं आपको वापस करूँगा, अभी संभव नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा, बाकी आप देख लें, यानी कि ये इनका मैसेज आ रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं मतलब कहने का मतलब यही है कि हमारे पैसे तो आएंगे नहीं आएंगे बाद की बात है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग जो मतलब समाज के लीडर बने घूम रहे हैं, मतलब समाज को रास्ता दिखा रहे हैं, अगर ऐसे जेब मतलब मुंह के कच्चे जबान के कच्चे और ये ऐसी सी बात रखेंगे तो बाकी का क्या हालात होंगे। तो हमें ये जो है ना इन लोगों से ऐसे लोगों से जो झूठ बोल कर पैसे देते हैं तो सभी सावधान रहें, हम तो इनके चक्रों में आ गए। अगर सच्चा इंसान क्या समझता कि सभी के सभी सच्चे होते हैं, तो ऐसा मतलब तो हमने तो इनके चक्र में आ गए वो कर लिया, जो दे दिए इनको 25,000 हमने दिए थे, जबकि मेरे ख्याल से वो प्रोजेक्टर कम मैंने बोला भी था इनको भाई कम का आ जाएगा,
लेकिन इन्होंने कहना नहीं हम बड़ा प्रोजेक्ट लेंगे काम करेंगे। रोजाना बातें होती थी, जिस वक्त पैसे लिए उस वक्त जिस वक्त पैसे दे दिए उसके बाद में फ़ोन भी बंद, बात भी बंद, सब कुछ बंद। तो अभी इनको बार बार हम फ़ोन भी करते हैं, मतलब बार बार तो नहीं फ़ोन करते लेकिन मैसेज करते हैं तो उसका जवाब अपने हिसाब से दे देते हैं, तो ऐसे हालात बन जाते हैं। तो हमने आप लोगों को सावनी बात इस करके रखी है ताकि लोग सावधान हो जाएं कि जो भी जना खना अगर मिशन के नाम पर पैसे ले उठता है उसको सावधान है। तो आगे जो है भुवनेश्वर प्रसाद ने हमें जो है और जो इनका नंबर भी देता हूँ, जो संदीप निमेश इनका नंबर है 8484744600, ये इनका नंबर है, अगर आप इनसे बात करना कर सकते हैं। अब ये मेरे बारे में क्या करने वाले हैं तो उनको पता होगा, लेकिन हमने आप सभी के सामने बात रख दी है। और ये कर मतलब पैसे हमारा स्क्रीनशॉट भी ले रखे हमने, इनके सब हमारा बस सबूत है। तो जो कुछ भी मतलब ये इनको हमने आप सभी के सामने बात इस करके रखी है, बात ये पैसे की बात नहीं है, बात ये है कि आदमी झूठ बोलता है, झूठ बोल करके आदमी दूसरों को गुमराह। चलो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, बीमार है नहीं है, लेकिन तो उसके बारे में उसको खुद को पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आदमी को जब पैसे लेने का नंबर था उस वक्त भाई जी, उस वक्त सस्कार भी है, सब कुछ है, और जब पैसा हाथ में आ गया फिर मतलब टोन बदल जाती है इंसान की। अभी एक और बात बताते हैं आपको, जो भुवनेश्वर प्रसाद है बोध हैं, इन्होंने एक राहुल पवार संस्थापक जो है, ये बहुजन पैंथर के संस्थापक है, इन्होंने इन्होंने जो है इनको पैसे दिए थे 300 रुपये। अब यहाँ 300 रुपये आप सोच रहे होंगे, यार 300 रुपये की कौन सी बड़ी बात है, 300 रुपये की बड़ी बात नहीं होती है, बात 300 रुपये की या 3 रुपये की या 30 रुपये की बात ये नहीं है, बात ये है कि आदमी की जुबान की बात है। जो आदमी बात 300 रुपये की नहीं, बात 3 लाख की भी नहीं है, बात 3 करोड़ की भी हो सकती है, बात 3 अरब करोड़ की भी हो सकती है, झूठ और बेईमानी जहाँ पर आ जाती है वहाँ पर पैसे, वहाँ पर बात की, वहाँ पर इंसान की बात होती है। अगर बात फिसल जाए तो कुछ भी नहीं इंसान के बल्ले में। तो ये जो है भाई साहब, ये क्या नाम है, राहुल पवार से मेरी बात भी हुई है फ़ोन पर एक बार, मैंने इंटरव्यू लेने के बाद कोशिश की थी, मतलब बात की थी इनके साथ में, लेकिन ये उस वक्त इंटरव्यू में बात तो होगी, लेकिन मैंने इनको वॉइस मैसेज किया था, भाई मैं आपका इंटरव्यू इस बार नहीं ले सकता, थोड़ा ठहर जाए मैं लेता हूँ उसका इंटरव्यू, तो इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया है। तो हो सकता है इनको पता लग गया, मैंने इनको बोला था फ़ोन पर, भाई अगर आप 300 रुपये नहीं उनका दे सकते तो मैं दे देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इन्होंने क्या किया, राहुल पवार जी ने जो है ये बार बार वो लड़का जो है मतलब बार बार उसको फ़ोन करते हैं, बार बार उठाते हैं, मतलब उसको पैसे अभी तक नहीं दे सके, अब उसको ऑडियो सुनाना चाहते हैं, जिस वक्त थोड़ा ऑडियो उस वक्त किए जो इनसे मतलब पैसे का देने लेने चाहिए, सुनिए ऑडियो। हेलो हेलो, हाँ जी, जय भीम। हेलो, जय भीम। जय भीम भाई, आप कहाँ से हो? मैं हरियाणा। हरियाणा से? जी। ये सही बात है आपकी भाई, मैंने भाई को बोला अभी, उन्हीं से बात हुई थी थोड़ी देर पहले। और आप क्या मैसेज लिख रहे हो? नहीं, मैं सही लिख रहा हूँ, उन्होंने स्थिति बताई है वो बता रहा हूँ मैं। नहीं, मैसेज क्या लिख रहे हो आप? उन्होंने कहा है मुझसे, वो कह रहा हूँ मैं आपसे। अच्छा, हाँ, उन्होंने कहा है वीडियो बना दो, मैं कि एक बार मुझे लंबर दे दो, मैं उनसे बात कर लूंगा। ऐसे देखो, बहुजन समाज का मैं भी हूँ, वो भी हैं, आप भी हैं। हाँ। बहुजन समाज में वो जाएगी, मैसेज जाएगा तो क्या जाएगा, यानी बंदे की मदद की है और वही बंदा फिर दूसरे को रिटर्न करने की वजह का कहता है एक दो दिन कर रहा है। भाई मैं आज भी फंसा हुआ था किसी काम में, और कल भी, और अभी मेरी थोड़ी देर पहले ही भाई से मैसेज डाला मैंने भी खुद ने भी। नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, एक आध दो दिन हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, मगर देखो झूठ बोलना तो बहुत बड़ी बात है। देखो, आप जानते हो कहते जो पंडित लोग ही कहते झूठ बोलने में सक्सेसफुल है, जो बहुजन समाज के लोग बोले हैं, बहुत बोले हैं। मैं आपको बताऊँ, आज तक ऐसा कांड हुआ नहीं था, उस दिन पहली बार हुआ है। नहीं, कोई बात नहीं है, हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर झूठ बोलना, और देखो किसी बंदे ने मदद कर दी आपकी तो कहते आप कल नहीं, आज नहीं, आज नहीं, कल कर दूंगा, ऐसे ऐसे नहीं होता भाई। बोल दो उससे कल पहुंच जाएंगे। देखो कोई बड़ी बात नहीं, देखो 300 रुपये तो कोई बड़ी बात नहीं, देखो चलो आपको चलो प्रॉब्लम आ गई, चलो चोरी हो गया, पैसे जरूर थी, चलो दे दिए उन्होंने। कोई नहीं बड़े भाई, आप बोल दो कल मैं उनको पहुंचा दूंगा।
पक्के आ जाएंगे। देखो हाँ मेरा मेरा कहते वैसे कोई धमकी देने का कोई इरादा नहीं है, नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, बता रहा हूँ यानी पहले मैंने आपको इसलिए कॉल किया है, यानी बहुजन समाज के भाई है इसलिए, अब तक और कोई जाति का होता नहीं, अब तक तो वीडियो बना देता मैं यार। नहीं कोई नहीं, मैं कल पहुंच जाएंगे, उनसे बोल दो। ठीक चलो ठीक है कल आ जाएंगे तो कोई बात नहीं है। है जी। जय भीम। तो साथियों अपना ऑडियो सुनिए, इसमें देखा आपने उसने उस वक्त ऑडियो में कह रहे हैं कि मैं दोपहर तक या शाम तक उसमें पैसे लगा दूंगा, लेकिन इन्होंने क्या किया, पैसे अभी तक नहीं दिए हैं। तो कुछ देर के मतलब एक चैटिंग हम आपको दिखाते हैं अभी थोड़ी, स्क्रीन शॉट देख रहे हैं आप इस पर, इस पर लिखा है मतलब इसमें लिखा है कि जो इसमें लास्ट में जो लिखा है इन्होंने जो मतलब बहुजन पैंथर का जो दिख रहा है आप इसमें, इसमें लिखा है इसने, किसी ने कहा इसमें जो धीरज पाल है, इन्होंने कहा होगा इसको संदीप को, इनको मतलब जो जो भाई साहब हैं भुवनेश्वर जी हैं, भुवनेश्वर जी इनको बोला था भी आप नज़दीकी पुलिस थाने में स्थित इनकी शिकायत करो और ये सभी स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी है वो थाने में दे दो 400 तहत के इसमें केस। तो उनका जो मैसेज आया उसमें बहुजन पैंथर सेना का कि जा कर दे, देखता हूँ पुलिस मेरा क्या बिगाड़े, यानी कि 300 रुपये नहीं दे सकते हैं, पुलिस में डंडे खाने के लिए तैयार हैं, पुलिस के काम करने के लिए तैयार हैं। तो ये हमने हम बात इस कर गए आप सभी सामने, तो मतलब ये पैंथर का सेना का अध्यक्ष है ये, अभी अध्यक्ष ऐसी बात करेंगे तो बाकी का क्या हाल होगा। तो अगर अध्यक्ष 300 रुपये लेकर के बात, मैं फिर बता रहा हूँ कि बात 300 रुपये की नहीं है, बात 3 लाख की भी नहीं है, बात 3 करोड़ की भी नहीं है, बात 3 अरब रुपए की भी नहीं है, बात जुबान की बात है भाई। एक आदमी ने, गरीब आदमी अगर चलो किसी ने 300 रुपये, बात तीन जब नहीं जेब में होते हैं ना तो 300 रुपये भी 3 लाख के बराबर होते हैं, 3 करोड़ के बराबर होते हैं, जब नहीं होते, जब आदमी के पास जेब में पैसे होते हैं तब वो 3 अरब के बराबर ही होते हैं, मतलब 3 अरब भी 3 लाख के बराबर होते हैं। तो ये हम इतना बोल रहे हैं कि बात ये नहीं है कि जिस वक्त पैसे लेने होते हैं उस वक्त हाथ भी जोड़ते हैं। एक हमारे सुखविंदर सिंह भाई साहब हैं वो इस सब खालसा टीवी चलाते हैं, उनके साथ में उनके साथियों ने जो किया ना, मतलब आदमी की रूह कांप जाती है सुन करके कि उनके जो साथी जिनको उन्होंने इतना पैसा दिया, मतलब मिशन को मिशन चलाने के लिए, सुखविंदर सिंह है जिनका फोटो आप देख रहे हैं स्क्रीन शॉट पर, स्क्रीन पर उनको उन्होंने इतना मतलब अपने लोगों को गले लगा करके प्यार करके उनको इतना बढ़ाया, दिन रात उनकी इच्छा पूरी करी, उन्होंने खंजर घोपा, पीठ के पीछे खंजर घोप करके ऐसा मतलब उनके साथ में किया कि इंसान की रूह कांप उड़ती थी यार। मैं जिस जिनों को पंथक समझ रहा था, जिन लोगों को मैं पंथ के वो दर्द समझ रहा था, उनको उन्होंने खंजर घोप दिया, तो बताओ मतलब फिर आदमी पंथ का काम कैसे करेगा। और कैसे जब आदमी चोर बैठे हैं वहाँ पर जो काम करने वाले ही, मतलब उसको तो ऐसे आदमी फिर कैसे काम करेगा। तो उनके साथ में धोखा हुआ और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं कि जब पैसे लेने का जो वक्त होता है लोगों का, तब तब बातें हो होती हैं, जब 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 देने का नंबर आता है तो फिर वो गुरबाणी की बहुत अच्छी अच्छी पंक्ति देते बताते हैं, हमें सकता है गोड़ भी दे सकता है, मतलब जब देने का नंबर हो तब तो फिर बहाना मारते हैं कि जब मतलब बहाना वो शीशी मारते हैं क्या करके, कि उनका मतलब है कि उनका कहने का मतलब ये होता है कि तुम भी जैसे हम गरीब हैं ऐसे तुम बन जाओगे, उनका मतलब बात करने का मतलब तो ये होता है सीधा सीधा। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि बुरा करेंगे तो बुरा नतीजा आएगा, सुखविंदर सिंह के साथ में जो उन्होंने किया वो तो भरेंगे, लेकिन सुखविंदर सिंह आज भी आज़ाद हैं, आज भी पंथक सेवा कर रहे हैं, करते रहेंगे, क्योंकि सच्चा और ईमानदार इंसान को कोई नहीं गिरा सकता, तो ये रब की बख्शिश होती है। लेकिन हाँ लेकर का लेकर किसी से उधार लेकर के अगर दूसरों का मार करके अगर आदमी सोचे कि मैं ज़िंदगी चलाना चाहता हूँ, वो बर्बादी की तरफ जाएगा, क्योंकि वो उधार ही उसको मार लेगा, खुद की कमियाँ अवगुण जो इंसान को मार लेते हैं। तो हमने 3-4 लोगों के बारे में बताया, तो ये सबको उम्मीद करेंगे हम, बातें हमने इस करके रखी, मिशन के जो लोग हैं लीडर अगर करप्ट होंगे, लीडर अगर जो 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 आगू बन करके चल रहे हैं अगर वो गलत काम करेंगे तो बाकी क्या क्या हालात होंगे। तो इनसे जो ठग जो लोग हैं जो गलत कर रहे हैं उनसे सावधान रहे, और हम उम्मीद करते हैं आप सभी सावधान हैं, हम भी खुद सावधान रहने की कोशिश करेंगे।
वैसे इन्होंने सिखा दिया हमें कि हर एक इंसान के ऊपर विश्वास नहीं करा करते। तो इसमें जो पूनम रॉय जो है बॉलीवुड के एक्टर, उसका उसमें कोई रोल नहीं है, उन्होंने तो वो साफ हैं, उनका कोई इसमें है उन्हें तो हमारी गलती है, हमने कुलदीप को पैसे दिए और संदीप निवेश को पैसे दिए। अगर ये सही रास्ते पर आ गए तो आने वाले वक्त में इनके हक में वीडियो डाल सकते हैं, अब इनके खिलाफ जाएगी वीडियो। तो थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, सावधान रहे, अपने आप को सावधान रखें। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, असलम जय जोहर।